इंदौर इच्छापुर हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब एक 13 फीट लंबा अजगर सड़क पर आ गया। लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने 13 फीट लंबे अजगर को पकड़ लिया है, जिसे वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। बड़वा नगर के नर्मदा रोड पर लगभग 13 फीट लंबा और 25 किलो वजनी मादा पायथन अजगर के हाईवे पर आ जाने से लोगों में सनसनी फैल गई। लोगों ने वन्य प्राणी अभिरक्षक टोनी शर्मा को सूचना दी। सूचना मिलते ही टोनी शर्मा और भुवनेश विद्यार्थी ने अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचकर भारी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में किया। वन विभाग की टीम ने उसे किस तरह रेस्क्यू किया, यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक बार तो वह टोनी के दाएं हाथ पर लिपट गई थी, जिसे बड़ी मुश्किल से छुड़ाया गया। टोनी शर्मा ने बताया कि थोड़ी सी लापरवाही पर वह हाथ तोड़ सकती थी। उन्होंने आगे बताया कि यह मादा पायथन है, जो कि लगभग 13 फीट लंबी और 25 किलो वजनी है। उसे वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में वन्य क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। अभी हम लोगों को नर्मदा मंदिर के सामने एक पायथन की नर्मदा मंदिर एनकॉप्स के पास नर्मदा मंदिर एनकॉप्स के पास में वहाँ से कॉल आई थी कि एक पायथन रोड क्रॉस करके साइड में आ गया है। तब हम लोग हमारी टीम लेकर यहाँ पहुँचे, मैं और भुवनेश, और तो यहाँ पर पहुँचे तो देखा 12 से 13 फीट का पायथन है, मादा पायथन है ये। इसको हिंदी भाषा में अजगर कहा जाता है और अब इसको हमने रेस्क्यू किया है और कल हमारे डिप्टी रेंजर साहब के या फिर रेंजर साहब के समक्ष उनको दिखाकर उसे छोड़ रिलीज। ये करीबन होगा करीबन 20 किलो का, 20-22 किलो का।